भीलवाड़ा में ही डॉक्टर स्वामी चक्रपाणि महाराज ने प्रेस वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट के सम्मानित चिन्ह का किया विमोचन। बता दें, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रखर हिंदुत्व के धनी डॉक्टर चक्रपाणि महाराज ने अखिल भारत हिंदू महासभा भवन में प्रेस वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट के सम्मानित चिन्ह का विमोचन किया और अपने संदेश में देश के सभी पत्रकारों को आशीर्वाद दिया तथा देश में पत्रकारों की सभी समस्याओं के लिए गठित प्रेस वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट के कार्य की सराहना की। उन्होंने बताया कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र कुमार पांडे, प्रसन्ना कुमार, राष्ट्रीय ट्रेजरर संदीप जाधव, प्रकाश पवार, अजीत पांडे, राहुल जाधव बधाई के पात्र हैं और उन्होंने सभी पत्रकारों से संगठन से जुड़ने का आग्रह भी किया। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जिस प्रकार से महेंद्र कुमार पांडे जी जो अध्यक्ष है प्रेस वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट के, उन्होंने इसकी स्थापना किया है और स्थापना का उद्देश्य, इनके साथ पूरी टीम है, प्रशांत कुमार है नेशनल सेक्रेटरी है और महेंद्र कुमार पांडे जी तो नेशनल प्रेसिडेंट है, संदीप डी जादव है नेशनल ट्रेजरार है, प्रकाश पवार है नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, राहुल डी जादव है नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी है, तो PWF जो है प्रेस वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट का निर्माण किए हैं। ये बहुत ही सराहनीय है, इसमें पत्रकारों की समस्या और देश के समस्या को कैसे उठाया जाए, लोगों में कैसे जागरूकता फैलाया जाए, इसके लिए है। मैं इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई मंगल कामना देता हूँ। आज शिक्षक दिवस भी है तो शिक्षक दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में मेरी बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना है कि PWF जो है अपनी कलम की ताकत को दिखाते हुए देश का एक मजलूम का, हर गरीब का, हर पीड़ित की समस्या को उजागर करे, अच्छी चीज़ों को लेकर के आगे लाए और देश को सशक्त बनाए, देश को अखंड बनाए और देश को मजबूत बनाए और तमाम ऐसे विषयों को लेके आए जिससे लोगों को ताकत मिले। तो आज शिक्षक दिवस पे PWF की तमाम कमेटी को और सदस्य को हमारी मंगल कामना है, बधाई है और तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि इससे PWF जो है महेंद्र कुमार पांडे जी जिसके अध्यक्ष हैं इससे जुड़े और जुड़ करके इसको मजबूत बनाए, क्योंकि प्रेस जो है ऐसे ही हमारे देश के चौथा स्तंभ है, वो मजबूत होगा